आगे बंद है कब्बर आ जा छोड़ दिए आज़ाद कर दिए जी, ये दरख्त लगा दिए और इस पे देखें कैसे आराम से बैठा है रहा पैर। येलो वाले हैं जो वो सारे बंद कर दिए, इसके अंदर ये भी खुले छोड़े हुए थे, उसमें भी फैंसी मुर्गी हैं सारी जो हमने दिए थे वो वाले देखे जी फिशर और दूसरे वो सारे खुले फिर रहे हैं इसमें। एक रहा देखे वो बैठा और ये वाला जोड़ा देखें जो 1,00,000 रुपये। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप? उम्मीद है खैरियत होंगे। दोस्तों आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल एलिमेंट सफर। दोस्तों तलहा भाई के पास आए थे, उन्हें सपना देने के लिए आए थे, सपना उनकी वापस दे दिया। मैंने कहा चलो थोड़ा सा व्लॉग बना लेते हैं जी। गब्बर ने शोर डाला हुआ है, उसे बांध दिया नीचे। और ये देखें जी ब्लैक कबूतर जो कल मरा बेचारा, एक अकेला रह गया। ये दो आए थे, दूसरे भी आपको दिखाते हैं ब्राउन वाले। रैबिट भी मरा और कबूतर भी मरा है। दूसरे कबूतर देखते हैं जी, लक्के कबूतर माशाल्लाह से अंडे उतारे हुए हैं। ये भी सारे बड़े जोड़े हैं, ये देखें माशाल्लाह से बच्चा भी निकला हुआ है। ये वाला देखें जी, ये भी तलहा भाई से पूछते हैं कोई अगर नर फारक है तो इनसे एक मेल भी लेते हैं जी। सूजी ने और सपना ने हमारा एक लक्का कबूतर जो वाइट नर था ना वो मार दिया था, तलहा भाई के पास आए हुए हैं। चलो अगर कोई हुआ तो एक ले चलेंगे, माशाल्लाह से लक्के हैं भी बड़े प्यारे। ये दूसरे केज में आ गए हैं जी, इधर उड़ाई वाले कबूतर हैं। ये वाला कबूतर देखें उस दिन पकड़ा था और ये अभी तक यहीं पर है। और ये वाला जो कासिम ने पकड़ा है कल परसों, ये भी बच्चा बड़ा ही प्यारा है। ये वाला उड़ाई वाला है, ये भी सारे अंदर उड़ाई वाले कबूतर हैं। देखिए शौक करें माशाल्लाह से कितने प्यारे लग रहे हैं। इस साइड पे भी सारे उड़ाई वाले हैं, इन्होंने भी किसी ने अंडे वगैरह उतारे हुए हैं नीचे, वो देखें। तीसरे केज में आए हैं जी, इधर भी माशाल्लाह से लग के। ये वाले भी फैंसी माशाल्लाह से बड़े ही प्यारे हैं। ये भी जोड़ा क्रॉस हो रहा है, इनके बच्चे भी पहले भी निकले हुए हैं। ये भी लग के देखें माशाल्लाह, बच्चे देखें कितने बड़े बड़े हो गए हैं ब्राउन वाले। और उन्होंने माशाल्लाह से दोबारा अंडे भी शायद उतार लिए हैं, वो देखें अंडे उतारे हुए हैं माशाल्लाह से दोबारा। कलर भी बड़ा प्यारा ब्लैक वाले और ये इकट्ठे आए थे, ब्लैक बेचारा एक अकेला रह गया है। ये देखें इधर अंडे उतारे हुए हैं। ये वाला भी लक्का कबूतर है। शराजी देखते हैं जब, शराजी भी माशाल्लाह से ये वाले किंग साइज़ के हैं, इन्होंने भी ब्रीड शुरू की हुई है माशाल्लाह। देखें कितना अच्छा साइज़ है इनका, कितने प्यारे लग रहे हैं पैरों पर। मोज भी देखें कितने प्यारे हैं, रेड कलर के भी शराजी देखें यहाँ पर बैठे हैं। ये भी बच्चा है शराजी का। और अंदर ये वाला देखिए छोटी चूंज वाला और ये किंग साइज, एक शराजी यहाँ पर बैठा है। फैंसी मुर्गियाँ और सील मुर्गियाँ यहाँ पे फेर रही हैं सारे। ये देखें यहाँ पे शिफ्ट किए हुए हैं, सुरखाब का भी अभी अभी जोड़ा यहाँ पे शिफ्ट किया है, सिल्वर स्प्राइट भी है, सारी यहीं पर है। ये माशाल्लाह से चूजे निकले हुए इधर, वो देखते हैं इधर। ये देखें माशाल्लाह टर्की बढ़ के भी हैं, ये वाला भी टर्की बढ़ के और दूसरे भी निकले हुए हैं इसमें, असील भी हैं फैंसी मुर्गियों के भी हैं। ये देखें ये ब्लैक वाले जो हैं ये फैंसी मुर्गियों के हैं। इस साइड पे तितर का जोड़ा पट्ठा पट्ठी है मेरे ख्याल से, ये या बड़ा जोड़ा जो हमने दे दिया सेम वैसे ही है, दखनी तितर है ये। इस साइड पे देखें माशाल्लाह से मुर्गी बैठाई हुई है, सेवे पे बैठी है ये, काफ़ी दिनों से मेरे ख्याल से बैठाई हुई है, काफ़ी अंडे माशाल्लाह से रखे हुए हैं, सही बैठी है ये सेवे पे, दाना पानी भी इसका रखा हुआ है। ये वाले वाइट सीखी हैं नीचे वाले बड़े जोड़े हैं, ये भी अंडे वगैरह उतार रहे हैं। नहीं बाहर नहीं आना, बाहर नहीं आना। वाइट सिल्की देखें एक निकल के बाहर आ गया और इन्हें बंद करते हैं कभी ये लड़ ना पड़े। इस साइड पे देखें जी माशाल्लाह से तोते सारे खुले छोड़ दिए हैं, आज़ाद कर दिए हैं जी। ये दरख्त लगा दिए और इस पर देखें कैसे आराम से बैठा है रहा पैर। येलो वाले हैं जो वो सारे बंद कर दिए, इसके अंदर ये भी खुले छोड़े हुए थे, उसमें भी फैंसी मुर्गी हैं सारी जो हमने दिए थे वो वाले देखे जी फिशर और दूसरे वो सारे खुले फेर रहे हैं इसमें। एक रहा देखे वो बैठा और ये वाला जोड़ा देखें जो 1,00,000 रुपये का मंगवाया था, इन्हें बंद ही किया हुआ है। रैबिट दोस्तों हमने सारे पकड़ लिए हैं, तलहा भाई जो हमें गिफ्ट दे रहे हैं वो हम घर लेकर जाते हैं। ये देखें जी गब्बर बदमाश बैठा है माशाल्लाह से, बड़ा ही फ्रेंडली है गब्बर। गब्बर सेहत भी माशाल्लाह से इसकी ठीक है, अभी ही अंदर इसे ला के बांधा है। गब्बर आ जा गब्बर। सपना ने देखें दोस्तों शोर डाला हुआ है, गब्बर के साथ मैं खेल रहा हूँ तो सपना को भी अब तलहा भाई को देखकर वापस जा रहे हैं जी घर। यहाँ पे बिल्लों को बंद किया हुआ है क्योंकि सपना आई है और गब्बर को भी बांधा है इसलिए। बकरियाँ भी देखें माशाल्लाह से खा पी के पेट भर कर खड़ी हैं, और एक बकरी देखें कहाँ पर ऊपर चढ़ी हुई है। सील मुर्गियाँ देखें पट्ठियाँ सारी इस साइड पर आ रही हैं, इधर भी लगता है कबूतर हैं। ये देखें इधर भी फैंसी कबूतर हैं, तीन ही हैं ये खुले फिर रहे हैं मेरे ख्याल से, यहाँ पे आए हुए हैं। ये वाली माशाल्लाह से गाय ली है न्यू,
ब्लैक कलर का, इसका वो रेड कलर का बच्चा है छोटा सा, देखें कितना प्यारा है। और सारी गायें देखें चारा खा रही है और ये खा के भी फारक हो गई है। तलहा भाई के पास दोस्तों वापस आ गए हैं, तकरीबन 8 बज गए हैं रात के, और रैबिट देखें माशाल्लाह वाइट कलर के कितने प्यारे लग रहे हैं। इन्हें जो हमारे सेटअप पे छोड़ते हैं, दूसरे रैबिट है उनके साथ ही छोड़ देते हैं। तलहा भाई ने दोस्तों ये हमें गिफ्ट दिए हैं और बड़े ही प्यारे हैं, देखें वाइट कलर के, तकरीबन ये 10 या 11 हैं। ये एक जो है वाइट एक कबूतर लेकर आए हैं तलहा भाई से, क्योंकि हमारे ये वाला छोटा कबूतर है ढीला रहने लग गया था, इसका मेन जो है ना मार दिया था सपना ने रसूद ने, इसके लिए हम लेकर आए पहले इसे वाइट छोड़ दिए। और ये देखें दूसरा गिफ्ट किस्म का ये वाला लगता कबूतर जो इस फीमेल के लिए लेकर आया है, बड़ा ही प्यारा है। इसकी जो एक आँख खराब हुई है तो मैंने यही कहता था भाई इंशाल्लाह हम ये सही कर देंगे और ये इंशाल्लाह थोड़े दिन में सही हो जाएगा। देखें माशाल्लाह कितना प्यारा लग रहा है व्हाइट कलर को, देखें हसील चूजा आके उसे मारने लग गया, सारा चूजों ने देखें गंदी गंद मारा हुआ इन्हें, मैं खुला छोड़ कर गया था, पानी भी सारा गिराया हुआ, पानी में नहाए भी हैं मुझे लगता है। इन्हें भी जो है ना बंद करते हैं, सुबह ही फिर सारा फ्रेश हम धोएंगे, पहले हमारे रैबिट छोड़ते हैं। ढोलू बोलो भी देखें इंतजार कर रहे हैं पट्ठों का दोस्तों, पट्ठे भी इन्हें ला कर डालने हैं, पट्ठे लेने चलते हैं। सबसे पहले हमारे जो न्यू रैबिट है वो छोड़ते हैं और देखें कितने प्यारे लग रहे हैं, 3-4 कलर हो जाएंगे। न्यू रैबिट देखें दोस्तों देखने के लिए आ रहे हैं सारे रैबिट, वो हमारे पुराने वाले यहाँ पे पिंजरा रखा है। सबसे पहले बच्चे आ रहे हैं देख रहे हैं, इनसे मुलाकात कर रहे हैं, ऐसे करते हैं इन्हें खोलते हैं। चलो भाई आ जाओ अपने न्यू घर में आ जाओ सारे, लगता है दोस्तों ये ऐसे नहीं आएंगे, इन्हें एक एक करके बाहर निकालना पड़ेगा। पहले इसे पकड़ते हैं बड़े वाले को। चलो भाई न्यू घर में आ गए हो, अब ये बच्चा पकड़ते हैं वाइट कलर का, जी देखें कितना प्यारा है, रेड कलर की आँखें हैं 2, 3, 4 और ये 5, ये 6, ये 7, 8 और 9, देखें माशाल्लाह से पिंजरे को उठा के बाहर रखते हैं। 9 रैबिट दोस्तों हम न्यू वाले लेकर आए हैं, पहले भी हमारे पास थे और 9 अब तकरीबन काफ़ी हो गए हैं, तकरीबन 15-16 हो गए हैं शायद, देखें घर सारा भर जाएगा। इनको पट्ठे वगैरह लाकर डालते हैं, न्यू घर तो दोस्तों इन्हें मिल गया लेकिन थोड़ा टाइम लगाएंगे घर बनाने में, क्योंकि जो हमारी पुरानी फीमेल है डोलू बोलू वो अंदर चले गए हैं फौरी, देखें न्यू रैबिट देख के और उनके बच्चे आ गए हैं भाई, वो खेल रहे हैं कैसे मस्तियाँ कर रहे हैं माशाल्लाह से, कितने प्यारे लग रहे हैं। ये वाला एक भाई को आ रहा है लेकिन इसे बाइट नहीं करना, वो देखें डोलू बोलू आ गया और वो उसे मारने लग गया था एकदम, लेकिन मारेगा नहीं सही है, इनकी सुलाह हो जाएगी क्योंकि बड़े हैं ये। शुजी देखें शुजी दोस्तों एक ही दम अंदर आइए, दरवाज़ा खोला हुआ था मैं वीडियो बना रहा था, एक ही दम मैंने इसे देखा पकड़ लिया, चल बच गया दोस्तों, वरना एक रैबिट का बच्चा हमारी शूजी अभी पकड़ लेती। सारे देखें डर के अंदर चले गए हैं घर के, अभी बाहर फिर थे इन्हें बंद कर देते हैं, इनके पट्ठे लेकर आते हैं, पहले हमारे चूजे वगैरह बंद कर दें। ऐसे करते हैं दोस्तों अब लक्के कबूतर 2 हो गए हैं, एक जोड़ा यहाँ पे छोड़ते हैं, शिराजियों को यहाँ पे छोड़ते हैं, पहले लक्के कबूतर छोड़ते हैं। ये देखें दोस्तों मादी आ गई है, अब ये जो तलहा भाई से लेकर आए हैं इसे भी इसके अंदर छोड़ देते हैं और दाना पानी इन्हें रख देते हैं। अब ये दोनों बड़े ही खुश रहेंगे क्योंकि मादी बेचारी उदास हुई हुई थी ये वाली ना जब से हमारा मेल मरा, इसलिए हम तलहा भाई से वो लेकर आए हैं। अच्छा कबूतर है वो भी, जोड़ा अच्छा बन जाएगा इनका। शिराजी का भी जोड़ा अंदर कर दिया हमने, ये नर आ गया, पहले मादी छोड़ी थी, अब पानी रखते हैं इनका। दोस्तों रख दिया ताज़ा पानी, हम ठंडा फ्रिज वाला डाल रहे हैं क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा है, इसलिए जो है ना ठंडा पानी ही इन्हें रखा करेंगे, अब हमने सोच लिया बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ रही है 2-3 दिनों से, दाना पानी इनका रख देते हैं ताकि रात को भूख लगेगी तो ये खा लेंगे। गंदम और बाजरा मैंने मिक्स कर दिया, ये इनको लोगों को रख देते हैं और ये वाले हमारे शिराजी को रख देते हैं ताकि इन्हें भूख लगे तो ये खा लें, इन्हें बंद करते हैं। रात के 9 बज गए हैं दोस्तों, इनके लिए पट्ठे लेने गया था, पट्ठे तो मिले नहीं, लेकिन मैंने कहा चलो डोलो बोलो को रोटियां डाल देते हैं, 4 रोटियां मैंने बारीक बारीक कर दी है, इन्हें डाल देते हैं, शौक से खा लेंगे। इस साइड पे भी डाल देते हैं ताकि हमारे डोलो बोलो और दूसरे रैपिड भी सारे शौक से खाएँ, सुबह इंशाल्लाह फिर इन्हें हम पट्ठे ला कर डालेंगे। चूज़ों को भी दोस्तों बंद करते हैं, काफ़ी गंद मचा दिया इन्होंने, तलहा भाई के पास गया था इन्हें खोल कर गया था, काफ़ी टाइम हो गया आज तो इन्हें तकरीबन 6-7 घंटे खुला छोड़ दिया, बड़े आज़ाद फिर रहे हैं और देखो अब ये खूटे के अंदर भी नहीं जा रहे, तंग कर रहे हैं, अंदर जा ही नहीं रहे, चलो अंदर चलो चलो चलो, ये 2-3 बड़े तंग कर रहे हैं, बाकी चले गए हैं, चलो अंदर चलो चलो चलो, सारे पिंजरे के अंदर चले गए, अब इन्हें बंद करते हैं, सुबह ही खोलेंगे। थोड़ी देर खोल दिया इसे, खुला छोड़ दिया, थोड़ी देर खुला फिर लेगा, फिर इसे जो है ना हम खुराक डाल के और पानी डाल के बंद कर देंगे। ये ले मिठू आ जा, ये ले ये ले ये ले, मिठू को भी दोस्तों रोटी डालने लगे हैं ताकि ये खा लेगा, रोटी भी अब खाने लग गया है ये देखना फोरी उठा के आके खाने लग जाएगा, इसको यहाँ पे लमका रहे हैं रोटी को। मिठू
ये ले, खुद ही आके ले लेगा। कालू के बर्तन में जो है ना इसे खुराक देते हैं और पानी ठंडा रखते हैं। मुर्गी भी दोस्तों मैंने अभी आके बंद किया, रोटियां लेने गया था, इसे खुला छोड़ के गया था, दाना माशाल्लाह से इसने खाया हुआ था, आते ही इसे बंद किया, फिर मैंने कालू को खोला, इसका भी ठंडा पानी रखते हैं ताकि रात को प्यास लगेगी तो ये पी लेगी। कालू देखें कैसे साथ साथ हुआ हुआ है, काफ़ी गंद बचा हुआ है दोस्तों। देखें मुर्गी ने भी गंद मार दिया काफ़ी, हमारे चूज़ों ने भी काफ़ी गंद मारा है। देखें सुबह इंशाल्लाह फर्श धोएंगे। मिट्टू देखें माशाल्लाह से आते ही फौरी खाने लग गया है जी, राम पैरेट हमारा रोटी खा रहा है बड़े शौक से। ये हमारे कालू की खुराक आ गई है, इसे खुराक डालते हैं अच्छी तरह, देखें आते ही खाने लग गया, भूखी से लगी हुई थी, पानी भी डाल देते हैं। ठंडा पानी लेकर आया था लेकिन ठंडा तो नहीं है, बिल्कुल सही है, टैंकी से तो सही है क्योंकि मैं घंटे डेढ़ घंटे बाद आया हूँ, पानी थोड़ा सा जो है ना गर्म हो गया, ज़्यादा भर दिया मैंने, नीचे गिर रहा है पानी। ऐसे करते हैं कालू का उठा के जो है ना पिंजरे में ही रखते हैं ताकि वहाँ शौक से खा लेगा। कालू आ जा, उधर देता हूँ, कालू आ जाओ कमरे में, चला अपने रूम में। चलो जी यहाँ पर आराम से जो है ना खाती रही है। तो हमारी मुर्गियों का खाने का टाइम हो गया, इंतज़ार कर रहे हैं बेसब्री से, इन्हें रख देते हैं, पहले ये खा लेंगे, ये खाएंगे फिर हमारे शेरू को और दूसरे मुर्गी को देकर आएंगे। खा ले खा ले, आ जा तू भी आ जा खा ले। रैपिड देखें माशाल्लाह से सारे इकट्ठे बैठे हैं, उम्मीद है कि इनकी लड़ाई नहीं होगी, मुझे ये डर था कहीं ये लड़ ना पड़े ढोलू भोलू के साथ। भोलू जो है पीछे तो लग गया था एक बार इनके, लेकिन अब नहीं है, अब सारे ही मिल बैठ के खा रहे हैं, लगता है इनकी सुलह हो गई है। शेरू और के लिए पहले पानी लेके चलते हैं, फिर जो है हम रोटी डालेंगे। मैंने दो ही रोटियां पकोई थी लेकिन ये हमारे मुर्गा मुर्गी जो है शौक से खा रहे हैं। ऐसे करते हैं ये जो बर्तन है ना इनके पास ही पड़ा रहने देते हैं ताकि रात को शौक से खाते रहें, इन्हें बंद करते हैं ढक देते हैं। शेरू को जो तलहा भाई साहब मुर्गी लेकर आए थे उन्हें बाजरा मकई डाल देते हैं मिक्स करके, वो खा लें। मकई का दलिया दोस्तों काफ़ी बारीक आ गया था लेकिन अगली बार जो है मोटा लेकर आएंगे ताकि इन्हें खाने में आसानी हो। ये है तो असल में चूजों का लेकिन हमारे शेरू के लिए और न्यू मुर्गी के लिए नहीं सही। देखें शेरू को बेचारे को भूख लगी हुई है, यहाँ पर आया हुआ है, चला उधर खालो खालो शौक से खा रहे हैं। देखिए पानी भी इनका चेंज कर दिया, पानी भी रख दिया ताकि रात को क्योंकि गर्मी बहुत होती है प्यास लगे तो पानी भी ये पी लें, दाना भी अजाफी रख दिया मैंने, अब इन्हें ढक देते हैं। चलो भाई सुबह मिलेंगे, इन्हें बंद कर दिया दोनों को, अब हमारे लीचे वाले भी बंद करते हैं मुर्गे। तो दोस्तों गर्मी भी बहुत ज़्यादा है और देखें पसीने से क्या हाल हो गया, रात के तकरीबन 10:30 हो गए हैं। तो अपने ब्लॉग का यहीं पर एंड करते हैं, अगर वीडियो पसंद आई हो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। अल्लाह हाफिज़।